Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do exercise D of chapter of Plastic Paradise of your new English fairy book. This is given on page number 84. Read these lines from the poem and answer the questions that follow. Here lines are quoted from the poem and based on those lines few questions are asked. You have to answer those questions. Now let's read the lines. The lines are: remote islands that are almost entirely untouched by human hands. Remote islands yani वो दूरस्थ इलाके जो बहुत सुदूरवर्ती इलाके हैं समुद्र के जो बिल्कुल मानव के हाथों से अछूते हैं यानी वहां पर अभी मानव की पहुंच नहीं है. सो दिस इज लाइन कोटेड फ्रॉम द पोम. नाउ बेस्ड ऑन दिस लाइन क्वेश्चन नंबर ए इज व्हाई आर द कोकोस कीलिंग आइलैंड्स रिफर्ड टू एज रिमोट. कोकोस कीलिंग आइलैंड्स को रिमोट क्यों कहा गया है. आंसर इज द कोकोस कीलिंग आइलैंड्स आर referred to as remote because the location is far off, hidden deep amongst the raging seas and rising waves. Cocos Keeling Islands ko remote isliye kaha gaya hai kyunki wo ufante hue ugr samudr ki ufanti hui leharon ke beech bahut dur कहीं छुपा हुआ है बहुत दूर स्थित है. दीज आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द ये आइलैंड इंडियन ओशन एंड हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. ये आइलैंड इंडियन ओशन के मध्य में बीच में स्थित है और यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन यानी मानव जीवन बहुत ही कम है. बहुत ही कम लोग वहां पहुंचे हैं वहां पर रहते हैं. क्वेश्चन नंबर बी विच कंट्री आर दे अ पार्ट ऑफ. ये किस देश का हिस्सा है. आंसर इज कोकोस आइलैंड्स आर अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. कोकोस आइलैंड्स ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है. क्वेश्चन नंबर सी व्हाट इज द करंट स्टेट ऑफ दीज आइलैंड्स. इन आइलैंड्स की वास्तविक स्थिति क्या है. आंसर इज रिसर्च हैज फाउंड एन एस्टिमेटेड 414 मिलियन पीसेस ऑफ प्लास्टिक डेब्री ऑन ऑस्ट्रेलियाज कोकोस कीलिंग आइलैंड्स. रिसर्च में ऑस्ट्रेलिया के कोकोस आइलैंड्स पर लगभग 414 मिलियन प्लास्टिक का मलबा पाया गया है. Now second quotation from the poem is these islands were our canary, one that we had no intention of saving from artificial asphyxiation. Now based on this line question number A is why does the speaker compare the islands to the canary. Speaker in islands ko canary se kyun compare karta hai. Inki tulna canary bird se kyun karta hai. Answer is the islands are compared to canary as it was once a natural paradise. Islands ko compare karta hai speaker canary se kyunki ek samay mein wo natural paradise the yani prakriti ka swarg the. Question number B. Why do you think he uses the past tense in these lines. आपको क्यों लगता है कि पोएट इन लाइंस में पास्ट टेंस का यूज करता है. आंसर इज द पोएट यूजेस पास्ट टेंस इन दीज लाइंस एज द आइलैंड नाउ इज अ डंप यार्ड चोकिंग फॉर लैक ऑफ ऑक्सीजन. पोएट इन लाइंस में पास्ट टेंस का यूज करता है क्योंकि अब जो वो आइलैंड है वो डंप यार्ड बन चुका है और जहां पर ऑक्सीजन की बहुत कमी है वो ऑक्सीजन के लिए तरस रहा है. क्वेश्चन नंबर सी व्हाट इन योर ओपिनियन इज आर्टिफिशियल एस्फिक्सिएशन. आपकी राय में आर्टिफिशियल एस्फिक्सिएशन क्या है. आंसर इज द फ्रेज आर्टिफिशियल एस्फिक्सिएशन मीन्स अ मैन मेड सिचुएशन वेयर देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन. आर्टिफिशियल एस्फिक्सिएशन का मतलब है एक ऐसी परिस्थिति जो मनुष्य द्वारा उत्पन्न की गई है और यहाँ पर तो ऑक्सीजन की भी कमी हो गई है यानी ऐसी स्थिति जो मनुष्य ने बनाई है जिसमें
ऑक्सीजन तक की कमी हो गई है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज डी ऑफ द पोम द प्लास्टिक पैराडाइज. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स. नाउ इट्स टाइम फॉर शाउट आउट. तो सबसे पहले जो कमेंटर्स हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो पे कमेंट किया था, उनमें से सबसे पहला नाम आता है संचित. गिटार लेसन्स का ये लिखते हैं, योर टीचिंग इज एक्सीलेंट एंड आल्सो ऑफ टॉप लेवल. सो थैंक यू संचित, लव यू. नेक्स्ट इज लव राणा. मैम यू आर वेरी गुड टीचर एंड टीचिंग एक्सीलेंट. थैंक यू बेटा. नेक्स्ट इज एन सेज मार्वल. He says, ma'am, my exams are at 19 December, so can you please upload the next chapter video as soon as possible. So now, beta, you don't have to wait because I was not well. Meri tabiyat theek nahi thi, isliye aapko thoda wait karna pada is video ke liye. But ab aage aapko videos jaldi hi milenge. Next is shorts videos commented. Then Vara Jaga commented. Then is Geshna Kwaish. PKXD and then is Anjali Sharma. Thank you Anjali. Then Sanchit Guitar again commented. Then the SS story and many more comments are there. So thank you everyone for commenting on my video. तो ऐसे ही वीडियो पे कमेंट करते रहिए. इस वीडियो पे जिनके कमेंट सबसे पहले होंगे उनको मिलेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट. तो देखते रहिए और दोस्तों को दिखाते रहिए. जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. हैव अ गुड डे.